अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडेर रेज़निक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 7 चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क। प्रॉब्लम 7 है, 3 kg का एक बॉडी है जो कि कहाँ पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल एयर ट्रैक पे है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। वो कहता है कि आपके पास स्लाइड करेगा तो हम कहेंगे फोर्स एफ अप्लाइड टी जीरो पे जब हमने की तो ग्राफ रिकॉर्ड कर रहा है मुख्तलिफ टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट। वो कहता है पोजीशन एट 0.5 सेकंड इस जगह पे इंटरवल पे जब टी जीरो आपके बाद उसने उसकी यानी रिकॉर्ड की, हाउ मच वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स बिटवीन टी जीरो एंड टी टू सेकंड। तो जनाब हमसे एक तरह से वर्क डन पूछा जा रहा है। अब जो गिवन डाटा है अगर हम उसमें देखें, जब टी वन है तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट 0.2 है, वो मैंने लिख दिया। अब हम इस जगह से एक्सेलरेशन एक इक्वेशन बना सकते हैं, तो मैं लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट भी पता है, टाइम भी पता है, तो वो वैल्यूज मैंने प्लेस कर दी, इसको लेके सॉल्व किया जा सकता है। तो ये टूल आ गया, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरीके से जब आप एक्स टी टू देखेंगे तो टाइम 2 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट पता है, तो उससे लेके भी इसमें वैल्यू प्लेस कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो वो आपको एक्स भी पता है, टी भी पता है, इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। अब ये इक्वेशन 1 बन चुकी है, ये इक्वेशन 2 बन चुकी है। अब हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो जाएगी जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो अब आप इसको जो इक्वेशन 3 बनी मल्टीप्लाई करने के बाद उसे सब्ट्रैक्ट कर दो 2 से, तो वो हमने 2 ऊपर रख लिया है, नीचे आपकी 3 रखी है, साइन चेंज हो जाएंगे, कुछ चीजें ये कट जाएंगी, वेलोसिटी वाला कंपोनेंट बीच में से अब खत्म हो जाएगा। अब इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा आपके पास 0.4। अब इस ए एक्स को आप लेके किसी इक्वेशन 1 में भी जा सकते हो, इक्वेशन 2 में भी जा सकते हो, मैंने इक्वेशन 1 में डाल दिया। वो जब मैं इक्वेशन 1 में डालूंगा एक्सेलरेशन डालेगा तो वीओ एक्स आ जाएगा, वीओ एक्स 0 आ गया। तो इसका मतलब जब टाइम 2 सेकंड था तो अब उस वक्त वी आई मुझे पता लग गई कि वो भाई आपकी 0 है। वी 2 सेकंड पे अब हम कह सकते हैं सारी वैल्यूज प्लेस कर दी तो 0.8 आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के आप कह सकते हैं कि चेंज जितनी काइनेटिक एनर्जी की चेंज आएगी वो वर्क डन के बराबर होगी, तो उसी तरीके से हम 1/2 m2 कर लेंगे। इनिशियल तो हमें पता है ना वी आई 0 है, तो इसलिए वो मैंने प्लेस नहीं की, मैस भी पता है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी भी पता है, तो ये आपके पास 0.96 जूल आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।